हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सुंदर सी ठाकुर जी की ड्रेस लेकर आई हूँ। देखो, ये मैंने लाल और पीले रंग में बनाई है और ये कैप बनाई है। आज मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। देखो, मैं इसको ऑरेंज और ये ग्रीन कलर में बना रही हूँ, यह कपूरी से कलर में बना रही हूँ। इसमें आप अपने पसंद के कलर से इसको बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने ये क्रोशिए से बनाई है। देखो, सबसे पहले मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 चेन बनाई है मैंने। अब मैंने ये दो चेन छोड़कर सारी चेन में ये डबल क्रोशिया डाला है, ऐसे 1, 2, ये ऐसे 1, 2, ये मैं ऐसे हर चेन में बनाऊंगी 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये मैं इसको ऐसे बनाते हुए हर चेन में। देखो, ये मैंने सब में एक एक फली डबल फली क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कर ली है। अब मैं इसको ऐसे पलटती हूँ ऐसे, और अब मैं दो चेन बनाऊंगी 1, 2। अब मैं इसमें पहली ये जो चेन है इसमें एक ऐसे डबल क्रोशिया, और अब दूसरी इसमें 2, 1, 2, ऐसे में ये पूरी सभी जो ये एक एक चेन बनी हुई है इनमें सब में अब मैं दो दो फली बनाऊंगी बड़े वाली 1, 2। ऐसे ही देखो, ये पास से देख लीजिए, ऐसे ही बनाते हुए आपको पूरी लाइन बनानी है। और जब आप यहाँ पे लास्ट में आओगे तब आपको एक फली बनानी है। ये मैं आपको ये ठाकुर जी की ड्रेस की चोली बनानी बता रही हूँ, ये वाली। ये देखो, ये लास्ट में एक फली बनानी है ऐसे। अब फिर जब भी हम कोई नई लाइन शुरू करते हैं तो सबसे पहले दो चेन बनाते हैं, अगर बड़े वाली फली बनाते हैं। अगर छोटे वाली बनाते हैं तो एक चेन बनाते हैं। अब सबसे पहली चेन में एक फली, अब दूसरी में दो बार मैंने एक एक फली बनाई है, और अब दो फली, एक में दो, आओ अब एक में एक, फिर अगले वाली में एक, और एक बार दो। अब आपको दो बार तो एक फली में एक बनानी है, और तीसरी बार एक फली में दो फली बनानी है 1, 2। देखो, ये मैंने अलग अलग बनाई है, और अब इसमें 2, 1, 2। अब मैंने ये फली गिनी है। अब ये मेरे पास 47 फली हो गई है। अब मैं इनको देखो 1, 2, 1, 2, 3। अब मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी 4, 5, 6, 7। अब मैंने ये 7 फली बनाई है। अब मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब मैं ये मुड्ढे के लिए 7 फली छोड़ दी हूँ। देखो, ये मुड्ढा बन गया है, इसमें बाजू आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 हो गए। अब मुझे ये गिन के देखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बच रहे हैं, तो मैं इनमें एक एक और कर देती हूँ। ये मैंने 7 बनाए थे, मैं इसको 8 बना रही हूँ, 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, और अब मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मुझे ये 8 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसमें 8 फिर ये बनाते हुए इसको ऐसे बंद कर दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अब मेरी ये 8 फली बन गई है। देखो अब मैंने इसको ऐसे ही चोली की तरह बना लिया है, एक और एक ये इसकी बाजू बन गई है, ये आगे से खुला है। अब मैं इसमें फिर 2 चेन बनाकर फिर मैं इसको ऐसे पलट रही हूँ। अब फिर मैं हर चेन में एक एक फली बनाऊंगी, ऐसे जितनी भी मेरे पास फली हैं, ये थोड़ी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको मैंने हर एक फली में एक एक फली बनाई है। ऐसे बनाते हुए मुझे पूरी लाइन करनी है। देखो अब मैंने ये पूरी लाइन कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे बिना धागे लिए ऐसे पहले वाली चेन में इसको ऐसे जोड़ देती हूँ, ऐसे देखो अब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अब मैं आपको ये वाला ये कटाव बनाना बता, ये इसमें जो ये चेन बनाई है मैंने पहले कटाव बनाने के लिए, ये वाली चेन बनाना बताती हूँ। ये वाली लाइन मैंने सबसे बाद में करी है, जब पूरी ड्रेस तैयार हो गई थी। देखो इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 5 चेन, अब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 चेन बनानी है। अब आपको 1 2 3 3 बार ये क्रोशिया लपेटना है। अब आपको ये एक फली छोड़कर ये देखो ये दो दो चेन छोड़कर आपको 1 2 ऐसे इसमें देखो, सबसे पहले ये एक धागा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे निकालना है। अब आपको 10 चेन बनानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 बार आपको धागा लपेटना है इसके ऊपर ऐसे, 1 2 3 बार। अब 1 2 ये छोड़ के फिर आपको ऐसे, ये आपको इस तरह 12 कलियां बनानी है, 2 3 4, आपको 12 कटाव बनाने हैं इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3। अब 1 2 1 2 3
चार ऐसे ही बना के तेवे आपके पूरे करने। अगर आपकी ये चेन आप गिन के देख लेना, अगर आपकी ये चेन ज्यादा है तो आप एक बार दो और एक बार तीन भी छोड़ सकते हो। अब देखो, अब मैं इसको बनाते हुए लास्ट में आ गई हूँ। मैंने 10 चेन बना दी है, अब एक दो तीन, अब एक दो, अभी ऐसे एक दो तीन चार, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब आपको यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, ये पांच चेन गिन के यहाँ पे इस धागे को ऐसे ऐसे जोड़ना है। ऐसे देखो, इसमें अगर 10, 11, 12 जितनी भी कली बन सकते हैं, 13 उतनी बना लीजिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 12 ही बनानी है। अब मैं आपको ये वाली ये बनाना बताती हूँ जी। अब आपको एक दो तीन चार चेन बनानी है, अब फिर एक दो तीन, अब तीन चेन में ऐसे क्रोशे डालना है, ऐसे देखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये वाली ये है ना, ये इसमें ऐसे एक फली बनानी है, ऐसे। अब एक दो तीन चार, एक दो तीन, जो मैंने तीन चेन बनाई है इसकी पहली चेन में ऐसे डाल के और ऐसे बिना कुछ लिए इसमें को ऐसे निकाल दो। अब एक दो तीन, तीन बार आपको एक क्रोशिया लपेटना है और एक एक लूप को एक दो तीन चार ऐसे निकालना है। अब एक दो तीन चेन बनानी है। अब फिर आपको इसमें से ये देखो, ये जो आपके दो है ना ऐसे, इनमें से क्रोशिया, इनमें से ऐसे क्रोशिया निकालना है और इस वाले धागे को इसमें से निकाल दो बिना कुछ दिए हुए। अब एक दो तीन, ये एक दो तीन चार, अब एक दो तीन, ये ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये बिना धागा लिए होंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये ऐसे एक दो तीन। हर बार आपको ऐसे ही करना है। एक दो तीन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से बराबर में से ये लेना है ऐसे, ये कभी थोड़ा टाइट हो जाता है ना इसलिए थोड़ी ऐसे, और फिर इसको ऐसे निकाल दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, दो चार छः सात, ये चेन सहित आपको सात बनाने हैं, दो चार छः सात, ये सात हो गए। अब आपको जो आपका ये वाली चेन है ये तो छोड़ देंगे, और ये यहाँ पे ये अगली वाली में यहाँ पे आपको इसको ऐसे बंद करना है, ऐसे। और अब आपको ये वाला जो है इसमें पहले की तरह ऐसे एक फली बनानी है, ऐसे। अब एक दो तीन चार चेन, एक दो तीन, और इसमें से ऐसे निकालनी है ऐसे, और ये ऐसे, फिर एक दो तीन, ऐसे ही आपको ये पूरे गोल सर्कल में जितने भी आपके लूप बने हैं सब में आपको ऐसे ही डालना है, एक दो तीन।
बिना धागा लिए, ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये बनाने में बहुत इजी है। जब आप बनाएंगे एक दो तीन, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जब आप बनाएंगे तो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, दो चार छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, इस ये सब मैं आपको साथ साथ बनाने हैं। अब जो ये अगले वाला है, ये इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रोशे डालो, ऐसे निकालो और ऐसे निकालो। और अब जो ये वाला है, इसमें भी इस तरह से आपकी ये ऐसे बन के तैयार हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे बन जाएंगे। देखो आपको ये ऐसे बुनते हुए ऐसे पूरा सर्कल लाइन बनानी है। और जब आप ये लास्ट वाला कटाव बनाएंगे तो आपको ये यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर यहाँ पे जोड़ना है। अब मैं आपको दूसरी ऊन से ये जो मैंने ये किया है ये करना बताती हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे कहीं पर भी आप इस ऊन को ऐसे लगा लीजिए, ऐसे एक दो तीन चार, और ऐसे चार चेन बनाकर मैंने इसमें डाली है, फिर एक दो तीन चार, फिर दूसरे में ये ऐसे, फिर एक दो तीन चार, एक में दो बार डाली है ऐसे, एक दो तीन चार, ऐसे एक दो तीन चार, ऐसे एक एक दो तीन चार, ये ऐसे इस ये हर चेन में आपको ऐसी डालनी है। देखो जो ये है जिसमें आपने ये 10 चेन बनाई थी ना, इसमें सब में ये ऐसे देखो ये डला हुआ है, ये इससे ये आपकी ड्रेस देखो कितनी सुंदर लगती है। अब आपको मैं दूसरा कटाव करना बताती हूँ, ये वाला कटाव ये शुरू करना बताती हूँ, ये मैंने कैसे शुरू किया। अब मैं आपको ये दूसरा कटाओ, ये ना पीछे ऐसे ऐसे चेन है, ये देखो ये ऐसे चेन है ना। अब आपको यहाँ पर इस वाली चेन में ऐसी ऊन को लगाना है, ये ऐसे, और इसमें एक ये भी साथ में ले लेते, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये शुरू में 15 चेन बनानी है, फिर एक दो तीन ऐसे करके ये अगले वाले में, ये ऐसे एक दो तीन चार ऐसे डालना है, फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये जैसे पहले किया था एक दो तीन बिल्कुल सेम आपको पहले वाले की तरह ही करना है। ऐसे इसकी हर चेन के बीच में एक एक
दो तीन, एक देखो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे डालते हुए पूरी सिलाई पूरी करनी है। अब आपको इनमें इनमें ये वाली फलियां बनानी है। देखो जैसी ये बन रही है ये, अब पहली बार मैंने ये सात बनाए थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब की बार मैंने एक इसको चेन को मिला के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ बनाए हैं। इस ये कट आप कितने भी बड़े बना सकते हैं ऐसे ही, और इसमें कितने भी रंग लगा सकते हैं आप, इसके बाद दूसरा भी रंग लगा सकते हैं इसमें। देखो इस तरह आपकी ये प्यारी सी ड्रेस तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ। देखो कैप के लिए मैं सबसे पहले पांच चेन बनाई हैं, एक दो तीन चार पांच ऐसे, और मैंने पहली चेन में क्रोशे ऐसे डाला है और इसमें से ऐसे निकाल के इसको ऐसे सर्किल बना लिया, एक दो। अब मैंने दो चेन बनाई हैं और इसमें डबल फलियां भरी हैं, जितनी भी इसमें आ सकती हैं दस बारह उतनी फलियां आप इसमें भर दीजिए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, ये धागा भी मैं बीच में लेती जा रही हूँ जिससे ये इसके अंदर ही आ जाएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आप काट देना। देखो जितनी भी इसमें फली आराम से भरी जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट करके भी नहीं भरनी ऐसे, और ये इस वाली फली में ऐसे लेके ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए ऐसे, फिर दो चेन, नहीं सिलाई ये पूरी बनाने के लिए दो चेन बनानी होती है बड़े वाले डबल क्रोशे के लिए। अब मैंने हर एक चेन में दो दो ये दो दो फली बनाई है, हर एक चेन में आप भी ऐसे दो दो फली बना लीजिए। देखो ये हर एक में दो दो बना के मैंने ऐसे तैयार कर लिया। अब फिर मैं दो चेन बना रही हूँ, एक दो। अब मैं हर एक फली में एक एक फली बनाती हुई जाऊंगी, अब मैं कहीं भी इसमें दो नहीं बनाऊंगी। ये देखो ये मैंने हर एक में एक एक बनाया है, अब मैं इसमें ये ऐसे ऐसे जोड़ दिया ऐसे। अब देखो अब मैं यहाँ पे एक दो तीन, एक दो तीन चेन बनाई मैंने, अब एक दो तीन चेन फिर बनाई, अब मैं एक दो तीन चार चौथी चेन में ये एक ऐसे बना दिया मैंने ऐसे। आप ना ये जितना भी कम करना चाहते हो उतने ही यहाँ पे ज़्यादा छोड़ देना। अब एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे ही टाइट हो जाएगी कैप आपको आगे से जितना भी, एक दो तीन जितनी भी आपको टाइट करनी है, एक दो तीन चार उतनी टाइट आप इसको कर लीजिए ऐसे, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन। और जो अब आप हमने ये बनाई थी एक दो तीन, ये तीन चेन में आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये देखो ये आगे से टाइट हो गई है। अब मैं आपको ये कटाव बनाना बताती हूँ। देखो अब मैंने इसमें ये ऊन जोड़ ली है दूसरे रंग की, और ये मैं यहाँ पर
जो मैंने ये फली बनाई थी इसमें मैं यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सेम इसी की तरह ऐसे बनाया। अब मैंने 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई और मैंने तीसरी चेन में बिल्कुल इसी की तरह बनाया है, ये ऐसे। और अब मैंने इसमें सिंगल, जैसे मैं डबल फली बनाती हूँ ना, वो वाली डबल फली ऐसे बनाई है ऐसे। अब देखो, अब मैंने इसमें ये डबल क्रोशिया डाला है ऐसे, ये चेन मिलाकर 1 2 3 4 बार। अब मैं इसको पहले की तरह यहाँ पर जोड़ती हूँ ऐसे। अब इसमें यहाँ पर ऐसे करना है, जो ये फली बनाई है ना इनमें, बस 1 2 3 4 5 6। अब इसको 3 चेन में ऐसे। अब ये एक डबल क्रोशिया ऐसे 1 2 3। अब ये ऐसे ऐसे। अब इसमें डबल क्रोशिया, अब 1 2 3 ऐसे, अब डबल क्रोशिया एक। अब ये आपके पूरे हो गए हैं। अब आपको ये अगले इसमें लगाना है ऐसे, और इसको फिर यहाँ से ऐसे छोटी फली बनाकर देखो, इस तरह ये आपकी क्या तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको मेरी ये ठाकुर जी की ड्रेस अच्छी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।